मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैड रीड पेज नंबर 212. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 213, पेज नंबर 213 एंड टॉपिक इज रिपब्लिक डे. कल हमने लास्ट पेज 212 पढ़ा था. आज हम टॉपिक रिपब्लिक डे पढ़ेंगे. जो रिपब्लिक डे क्या है, हमारा नेशनल फेस्टिवल है, जो नेशनल फेस्टिवल में हम सेलिब्रेट करते हैं. सो रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर. जो रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे को गणतंत्र दिवस भी बोला जाता है, जिसको हम 26 जनवरी को एवरी ईयर हर साल सेलिब्रेट करते हैं, मीन्स मनाते हैं. ऑन दिस डे इन 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडेप्टेड एंड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक. ईयर 1950 को हमारा जो कंट्री था इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान को अडॉप्ट किया, मीन्स अपनाया और इंडिया एक क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया. ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे इज़ हेल्ड एट राजपथ न्यू दिल्ली. जो 26 जनवरी में जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन मीन्स परेड हुआ या फोक डांस हुआ या जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उनका जो मेन फंक्शन होता है वो रिपब्लिक डे का कहाँ होता है, राजपथ में. राजपथ है नई दिल्ली में, वहाँ क्या किया जाता है, हेल्ड किया जाता है. वहाँ क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आयोजित करते हैं. ओके, अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड एट राजपथ. आर्म्ड फोर्स कॉन्टिनजेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स एंड फोक डांसर टेक पार्ट इन द परेड. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट. क्या बोल रहे हैं कि राजपथ पर क्या होता है, ग्रैंड परेड, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा परेड क्या करते हैं, अरेंज होता है. कहाँ होता है, राजपथ में, ठीक है, आयोजित किया जाता है. ठीक है, आर्म फोर्स कॉन्टिनजेंट्स, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट जो होते हैं और जो फोक डांसर होते हैं, जो वहाँ डांस करने वाले, मतलब जो फोक डांस करते हैं, हर स्टेट्स में जिनका फोक डांस होता है वो सब डांस करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं और जितने भी फोर्स होता है हमारा, वो सब क्या करते हैं, यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, भाग लेते हैं. और इंडिया के जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, वो सलामी मीन्स सैल्यूट करते हैं. ओके, सैल्यूट देते हैं. टैबलॉग्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड ब्रेवरी अवार्ड विनर्स आर इट्स बिग अट्रैक्शन. एंड इस परेड का जो ग्रैंड परेड होता है राजपथ में, उसका मेन अट्रैक्शन, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ क्या लोग देखने जाते हैं या सबसे ज़्यादा कौन क्या पसंद करते हैं. टैबलॉग्स मतलब होता है झांकी. झांकी अलग अलग क्या होता है, अलग अलग स्टेट से झांकी. और क्या होते हैं, ब्रेवरी अवार्ड विनर मीन्स बहादुरी के लिए जिनको अवार्ड मिलता है, उनके जो विनर्स होते हैं एंड जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट से आए हुए जो झांकी होते हैं, वो क्या होते हैं, इस ग्रैंड परेड का मेन बिग अट्रैक्शन, बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है. अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, मीन्स दे वहाँ ये इन लोग इन चीज़ों को देखने के लिए वहाँ काफ़ी भीड़ होती है. सेकेंड आवर नेशनल फेस्टिवल इज गांधी जयंती. फर्स्ट हमने इंडिपेंडेंस डे पढ़ा, सेकेंड रिपब्लिक डे एंड थर्ड हमारा नेशनल फेस्टिवल है गांधी जयंती. वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2nd of October एवरी ईयर. हम जो गांधी जयंती है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, अक्टूबर 2nd को, ठीक है. 2 अक्टूबर को हम हर साल गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. ऑन दिस डे इन 1869 महात्मा गांधी वॉज बॉर्न. इन इस दिन 1869 को, ईयर 1869 एंड 2nd अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे वो. ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश रूल थे हमारे इंडिया में, जो इंडिया के जो ब्रिटिश रूल, मतलब जो अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश थे, वो हमारे इंडिया पे क्या किए थे, रूल चला रहे थे, ठीक है. और हमारा जो कंट्री था वो क्या हो गया था, उसे क्या कर लिए थे, गुलाम बना लिए. तो इससे फ्री कराने के लिए जो था इंडिया, जो गांधी जी थे, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट मीन्स आज़ादी के लिए मूवमेंट मीन्स आंदोलन चलाया था. उनके क्या थे, वो लीडर थे. He is called the father of the nation and आप सभी को पता है हम गांधी, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उनको father of the nation means हमारे जो country है, हमारे इंडिया के राष्ट्रपिता कहा जाता है, father of the nation.
पीपल ऑफर फ्लावर ट्रिब्यूट्स एट राजपथ इन न्यू दिल्ली विच इज़ द समाधि ऑफ गांधी जी. वहाँ जो लोग हैं जो यहाँ जो पीपल है वो क्या करते हैं, उनकी नई दिल्ली में राजघाट पर फ्लोरल ट्रिब्यूट देते हैं. मींस फूलों से, फ्लोरल मींस फूलों से क्या करते हैं, ट्रिब्यूट करते हैं, मतलब उनको पुष्पांजलि देते हैं, अर्पित करते हैं. मतलब फूल उनके जो समाधि है, समाधि मींस जब उनकी डेथ हुई थी, जब वो मरे थे तो उनका जो बॉडी था वो कहाँ, न्यू दिल्ली में राजघाट में. ओके, न्यू दिल्ली राजघाट में. राजघाट कहाँ है, न्यू दिल्ली में. वहाँ उनकी समाधि क्या हुई थी, बनाई गई थी. समाधि मीन्स जब कोई पर्सन मर जाता है तो उनकी क्या बोलते हैं, उनकी जो बॉडी रहती है उनको वहाँ रखते हैं. तो उनकी जो समाधि है तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, गांधी जी की वो करते हैं फूल एंड क्या करते हैं, ट्रिब्यूट करते हैं, फूल चढ़ा के पुष्पांजलि दे के. सेकेंड इज़ अवर रिलीजियस फेस्टिवल. हमने पढ़ा था कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो थ्री काइंड्स के होते हैं. क्या क्या होते हैं, नेशनल फेस्टिवल जो अभी हमने पढ़ा, एंड सेकेंड है रिलीजियस फेस्टिवल, एंड है थर्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल. सो रिलीजियस फेस्टिवल हम पढ़ेंगे. सम डेज आर सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सम रिलीजन. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कुछ दिन, कुछ जो रिलीजियस होते हैं वो हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री में मतलब इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे रिलीजन के लिए. ठीक है, सो फॉलोवर्स ऑफ दिस रिलीजन्स सेलिब्रेट दिस डे एज देयर फेस्टिवल. तो क्या करते हैं, इन धर्मों के जो फॉलोवर्स होते हैं, मतलब इन जो रिलीजियस हैं उनको जो मानने वाले होते हैं, वो इन दिनों को अपने फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. ओके, जो हमारे हिस्ट्री में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है, बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ बीता हुआ रहता है हमारे हिस्ट्री में, तो हमारे रिलीजियस में जो लोग मानते हैं, जो धर्म को जो मानते हैं, वो क्या करते हैं, उस दिन को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. सो दिस फेस्टिवल्स रिफ्लेक्ट वेरियस कल्चर एंड कस्टम्स. और ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये जो त्यौहार होते हैं, वो अलग अलग, वेरियस मीन्स अलग अलग, कल्चर मीन्स संस्कृतियों को, और कस्टम मीन्स रीति रिवाजों को क्या करते हैं, शो करते हैं. ठीक है, क्योंकि अलग 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 धर्म के लोग, अलग अलग कल्चर मानने वाले लोग क्या करते हैं, अपने अपने क्या करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. सम सच फेस्टिवल आर एस फॉलो. जो रिलीजियस फेस्टिवल में कुछ फेस्टिवल्स आते हैं, त्यौहार आते हैं, वो नीचे दिए हुए हैं, बता रहे हैं. तो फर्स्ट इज दशहरा. आप सब भी जानते हैं कि दशहरा के दिन क्या होता है, हम रावण को क्या करते हैं, रावण के जो पुतले होते हैं उसको जलाते हैं. एंड ये स्लोगन चलता है कि अच्छाई बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है. सो दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं वो पढ़ेंगे. दशहरा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज विच इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क ऑफ द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावण द डेमोन किंग ऑफ लंका. जो दशहरा है वो हमारे हिंदूज का, मतलब हमारे हिंदुओं का बहुत ही क्या है, रिलीजियस फेस्टिवल है. बहुत ही हिंदुओं का क्या है, धार्मिक मींस रिलीजियस फेस्टिवल है, जिसे क्या हुआ था, लंका के राक्षस डिमोन किंग, मतलब जो हमारे लंका के राक्षस, मतलब डिमोन किंग मतलब राक्षस जो किंग थे रावण, उसमें हमारे लॉर्ड रामा ने, लॉर्ड राम मींस भगवान राम ने क्या किए थे, जीत के लिए, उनकी विक्ट्री के लिए, मींस उनकी विक्ट्री मींस उनकी जीत के लिए, मींस हमारे राम भगवान ने क्या किया था, जो रावण था, जो बुरा राजा था लंका का, उसे उस दिन मारा था, उनको मारकर जो उन्होंने जीत हासिल की थी उसकी खुशी पर दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है. लॉर्ड रामा किल रावण ऑन विजयदशमी. जो लॉर्ड रामा थे, मतलब भगवान राम थे, उन्होंने रावण को विजयदशमी पर किल किया था, वध किया था, उनका मारा था. एंड ही इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 10 days. और इसे 10 दिन तक के लिए मनाया जाता है. ओके, रामलीला इज़ हेल्ड एवरी नाइट फॉर 9 days. ऑन द 10th day द एफिजीज ऑफ रावण, हीज ब्रदर कुंभकर्ण एंड हिज सन मेघनाथ आर बर्न. रामलीला क्या होता है, रामलीला मतलब जो राम भगवान की जो पूरी जीवनी होती है वो पूरा क्या करता है, 9 दिन तक दिखाया जाता है. ठीक है, तो 9 days तक क्या होता है, हर एक रात रामलीला क्या किया जाता है, हेल्ड किया जाता है, मतलब वहाँ आयोजित करते हैं ऐसे एक फंक्शन जैसा होता है, जिसमें राम भगवान की पूरी लाइफ के बारे में बताता है, उन्होंने कितना 14 years क्या किया था वो, एंड रावण को कैसे मारा था एंड क्यों मारा था, उनके बारे में पूरा, उनकी 9 days क्या होती है, पूरी रामलीला चलती है. और जब 10th day होता है, जब 10वां दिन होता है, तब क्या करते हैं,
एफिजिस मतलब होता है पुतले, तो रावण के पुतले एंड रावण का जो भाई था कुंभकर्ण एंड जो रावण का बेटा था सन था मेघनाद, ठीक है, इन तीनों को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। ओके, तो क्या किया जाता है, रावण के पुतले को कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के भाई सॉरी रावण के भाई कुंभकर्ण और उनके मेघनाद को क्या किया जाता है, इस दिन जलाया जाता है। इट सिंपल सिंबॉलिज द विक्ट्री ऑफ गुड और इविल इन वेस्ट बंगाल, द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज दुर्गा।